नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर सकी है। कांग्रेस में तो फिर भी ज्योत्सना महंत के नाम पर सहमति बन चुकी है, लेकिन भाजपा फिलहाल भारी अंतर्कलह से जूझ रही है। कटघोरा के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा से पहले एक सनसनीखेज बयान दिया है। एक निजी चैनल से हुई चर्चा में उन्होंने साफ किया कि अगर खाद्य उद्योग के अध्यक्ष और भाजपा नेता ज्योतिनंद दुबे को नेतृत्व ने कोरबा से लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया तो वह उनके विरोध में काम करते हुए उन्हें हराने का काम करेंगे। उनका मानना है कि बीते विधानसभा चुनाव में ज्योतिनंद दुबे ने उन्हें भी हराने का काम किया था और उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है। उन्होंने बताया कि उनके पास वीडियो फुटेज भी है जिसमें ये साबित होता है कि ज्योतिनंद दुबे ने उनके साथ भीतरघात किया है। अब लखनलाल देवांगन के इस दावे के बाद भाजपा की जिला इकाई में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, अभी पार्टी में विचार विमर्श हो रहा है। अगर किसी को भी टिकट मिलता है हम तो काम करेंगे। बाकी विशेष व्यक्ति जो आदमी मेरे चुनाव में खुल के विरोध में काम किया था, अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो मेरा खुला विरोध रहेगा, उसका विरोध में हम लोग काम करेंगे। और जो व्यक्ति पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को करते हैं तो उसके लिए निष्ठा से हम लोग भी कार्य करेंगे। आपने पता चला है कि विधानसभा चुनाव के लेकर शिकायत भी किए थे, फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, कार्रवाई नहीं हुआ है। जो विरोध में काम किए थे उनका मैंने लिखित में शिकायत किया है और उन लोगों ने कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो हमारा खुला विरोध रहेगा। दरअसल आज सुबह एक खबर आई थी कि कोरबा लोकसभा के लिए भाजपा ज्योतिनंद दुबे के नाम पर विचार कर रही है, जिसके बाद उनसे उनकी दावेदारी पर सवाल किया गया था। श्री देवांगन ने ये पूरी बात कई और पत्रकारों के सामने भी कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के मुहाने पर खड़ी भाजपा पार्टी एक बड़े नेता के ऐसे बयान को किस तरह लेती है और यदि ज्योतिनंद दुबे के नाम पर मोहर लगती है तो वह भीतरघात से कैसे मुकाबला कर पाएगी। बाकी की ऐसी ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टुडे। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।